हेलो, व्हाट इज अप गाइस। तो हम आज के आपके लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से। और जो आज वाली वीडियो है ना, उसके अंदर हम बात करेंगे कि आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में मतलब कि जो बैटरी हेल्थ है ना, वो चेक कर सकते हो। जस्ट लाइक आईफोन्स वगैरह में आती है कि जो बैटरी हेल्थ है वो आपकी कितनी बची हुई है, वो आप वहां पर देख सकते हो। बैटरी हेल्थ से मतलब मेरा ये है कि आपकी जैसे बैटरी टाइम टू टाइम डिकम्पोज होने स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि धीरे धीरे जिसकी MAH होती है ना, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप पता लगा सकते हो एग्जैक्टली कि आपके डिवाइस में अभी कितने परसेंट बैटरी हेल्थ है और आपको कितने पे चेंज कर लेनी चाहिए, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो ये फीचर सिर्फ आपको iOS डिवाइसेस में देखने को मिलता था, यानी फिर एप्पल के डिवाइसेस में, बट अब आप इसको मतलब कि एंड्रॉइड डिवाइसेस में भी इजीली यूज कर सकते हो। बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा, क्योंकि आपकी चार्जिंग वगैरह है ना, उसको मतलब आप एक दो बार चार्ज करोगे तब ही वो शो करेगा, उससे पहले वो शो नहीं करेगा। तो मतलब कि आपके पूरे चार्जिंग वगैरह से रिलेटेड वो पूरा पूरा कैलकुलेट करके ही बताएगा। सो ये एक सबसे मोस्ट अवेटेड फीचर था जो कि एंड्रॉइड में आपको देखने को नहीं मिलता था, बट मैं आज की वीडियो में बता दूंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो और कैसे आप अपनी जो बैटरी हेल्थ उसको फाइंड कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है एक्यू बैटरी करके। ये मतलब कि बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मतलब इसमें कोई एड्स वगैरह देखने को भी नहीं मिलेंगी। तो इसको इंस्टॉल कर लेना, जस्ट लाइक मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इंटरफेस में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर मेरी बैटरी परसेंट दिखा रखी है, मेरी 41% अभी बैटरी है करंटली। और यहाँ पर आपको नीचे मतलब कि और जो फीचर्स है वो दिखा रखे हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले दिखा रखा है कि अगर आप इसको नॉर्मल यूज करते हो तो लगभग आपकी 6 घंटे के आसपास बैटरी चल जाएगी, और अगर आप इसको पीक ब्राइटनेस पे यूज करते हो तो लगभग आपकी 2 घंटे 45 मिनट के आसपास, और अगर आप इसको स्टैंड बाय पे रखते हो तो लगभग 28 घंटे के आसपास आपकी जो बैटरी बची हुई है चल जाएगी। और मैं इस ऐप को है ना काफी दिन से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट डाटा तभी आता है जब आप इसको लगभग 2 से 3 दिन यूज कर लो। जस्ट लाइक यहाँ पर आपको कुछ की हाईलाइट फीचर और दे रखे हैं। जस्ट लाइक मैं इसको यूज कर रहा हूँ काफी दिन से, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा स्क्रीन ऑन टाइम है वो 38% के आसपास रहा है मेरा आज का, मतलब इतनी परसेंट मेरी स्क्रीन ऑन टाइम में चली गई है। और यहाँ पर आप नीचे MAH भी देख सकते हो, इतनी MAH हमारी इतने टाइम में मतलब की चली गई, और स्क्रीन ऑफ टाइम पे मेरी 16% की बैटरी यूज हुई थी। और अगर वहीं पर बात करें डिस्चार्जिंग स्पीड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने MAH मतलब इतना परसेंट मेरा 1 आवर के अंदर डिस्चार्ज हुआ है, एवरेज लेके आपको बताता है, वहीं पर स्क्रीन ऑफ में इतना हुआ है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई अपना मतलब की बैटरी के अंदर कितना कुछ चल रहा है। और यहाँ पर आपकी कुछ जो टिप्स दे रखी है बैटरी से रिलेटेड, आप इनको अगर फॉलो करोगे तो जो बैटरी है आपकी काफी मतलब की हद तक बेटर परफॉर्म करेगी। और एक टिप है जो कि ये ऐप मतलब की आपको स्टार्टिंग में ही देता है जब आप इसको यूज करना स्टार्ट करते हो, कि कभी भी अपने डिवाइस को मतलब की फुल 100% चार्ज ना करो, लगभग 90% के आसपास अपने डिवाइस को चार्ज करके बस वहां पर रख दो, क्योंकि अगर फुल चार्ज करते हो ना तो बैटरी मतलब कि जल्दी डिकम्पोज होना स्टार्ट होती है। और यहाँ पर आप लिमिट भी सेट कर सकते हो चार्जिंग के टाइम पे। अगर नीचे चार्जिंग में जाऊं तो देख सकते हो मैंने 90 पे ही सेट कर रखी है, तो ये 90 से ऊपर आपके मोबाइल को चार्ज ही नहीं होने देगा ये ऐप, उसके बाद आपकी मतलब की जो पावर है उसको कट कर देगा। और चार्जिंग के टाइम पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग फीचर्स दिखा रखे हैं, जस्ट लाइक इतनी मतलब की आपकी वोल्टेज है या फिर कितनी मिनी वोल्ट है, मतलब जो भी कुछ है यहाँ पर आपको सब कुछ दिखा रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब की बिल्कुल एक्यूरेट चीज आपको दिखाएगा, आपकी बैटरी से रिलेटेड हर चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर नीचे आपको देख सकते हो कि जस्ट लाइक मेरे पास जो सैमसंग का गैलेक्सी A50, यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती थी, बट आप जानते हो कि जब भी 4000 mAh बोला जाता है तो पूरी 4000 mAh बैटरी नहीं मिलती आपको, तो इसमें आपको 39 मतलब की 100 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। और अभी करंटली जो मेरी मतलब की बैटरी बची हुई है वो इतनी MAH बची हुई है, और जितनी मतलब की इसके अलावा जो MAH थी लगभग 800 mAH वो मेरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरे इस डिवाइस को लिए लगभग 1.5 से 2 साल होने वाले कंप्लीट। तो इतने टाइम में इतनी आपकी बैटरी इजिली मतलब की खराब हो जाती है, जो बैटरी हेल्थ है वो कम हो जाती है। तो मेन पर्पज ये था कि आप इस ऐप को लगभग 2 से 3 दिन यूज करोगे ना, उसके बाद ही आपकी हेल्थ दिखाना स्टार्ट करेगा। तो मैं हेल्थ पे चला जाता हूँ। तो अभी मेरे देख सकते हो करंटली 83% दिखा रहा है, और मेरी एस्टिमेटेड कैपेसिटी इतनी है, मैंने लगभग इसको 4-5 बार चार्ज किया था मोबाइल को, तब जाके इसने एग्जैक्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है। और आप अगर एक बार में ही आउटपुट चाहते हो तो आप ये करना कि आप अपने मोबाइल को 0% तक मतलब डिस्चार्ज कर देना, देन उसके बाद इसको 0 से फुल 100% चार्ज करना, तो यहाँ पर आपकी एग्जैक्ट जो बैटरी कैपेसिटी वो दिखा देगा। सो आप इस ऐप की मदद से जो अपने एंड्रॉइड डिवाइस है, कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस, पर्टिकुलर मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, हर डिवाइस के अंदर आप मतलब की जो बैटरी हेल्थ की एप्लीकेशन है इसका यूज करके बैटरी हेल्थ फाइंड कर सकते हो। अगर आपका पुराना डिवाइस है तो आप इजिली चेक कर सकते हो भाई हमारे में इतनी बैटरी हेल्थ है और हमें बैटरी चेंज करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए। सो ये थी वो एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप अपनी जो बैटरी हेल्थ है उसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी कितनी बैटरी हेल्थ बची हुई है मतलब MAH के अंदर। और ये बिल्कुल करेक्ट बताती है आपको मतलब की थोड़ा बहुत भी ये दिक्कत
दिक्कत नहीं आएगी भाई, मतलब कि एक्यूरेट नहीं बता रही है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी चार्जिंग के ऊपर डिपेंड करती है आपने कितनी बार अपने डिवाइस को चार्ज किया और कितना करंट इसने मतलब कि कंज्यूम किया आपके मतलब जो मोबाइल है उसकी बैटरी ने, तो उस चीज के ऊपर पूरा पूरा ये मतलब कि कैलकुलेट करके आपको बता देती है। इस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर आपकी जो बैटरी हेल्थ है उसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये थी सिंपल सी शॉर्ट वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूं।